शास्त्रों के अंदर इस बात का उल्लेख मिलता है कि सांपों को दूध पिलाने से सर्प देवता प्रसन्न होते हैं, मगर शास्त्रों में नाग को दूध पिलाने के इस मत को विज्ञान स्वीकार नहीं करता। जंतुओं के स्वभाव एवं उनके गुणों पर काम करने वाले विशेषज्ञ और डॉक्टर्स ये स्वीकार करते हैं कि सांप का शरीर इस प्रकार का नहीं बना है कि वो दूध पी सके। अगर सांप ने दूध पी लिया तो उसकी आंतों में इन्फेक्शन हो जाता है और वह जल्द से जल्द उसकी मौत हो जाती है। एक तरह से यह कहा जा सकता है कि सांपों के लिए दूध जहर का काम करता है, इसलिए जो सर्प विशेषज्ञ हैं वो इस बात से बिल्कुल इनकार करते हैं। साथ ही लोगों को जागरूक भी करते हैं कि वह सांपों को दूध नहीं पिलाए। सर्प विशेषज्ञ स्मेल अंग्रेज की माने सांप पूरी तरह से मांसाहारी होता है, वह चूहे कीड़े मकोड़े मछलियाँ आदि खाता है। दूध उसके लिए जहर समान है क्योंकि सांप के शरीर में हड्डियाँ नहीं होती, ऐसे में वो दूध पचा नहीं पाते, ऐसे में उनकी मौत हो जाती है। कि झाड़ फूक करने वालों का ये एक अंधविश्वास फैलाया हुआ है कि सांप दूध पीता है, जबकि दूध सांप के लिए जहर होता है, ठीक है ना। दूध वही पचा सकता है जिसके शरीर में हड्डी होती है, और दूध में कैल्शियम होता है और सांप के शरीर में हड्डी नहीं होती है। इन लोगों ने क्या है कि जो झाड़ फूक करने वाले हैं ये हमारी धार्मिक आस्थाओं से खेल रहे हैं, और आज भी खेल रहे हैं और आगे भी खेल रहे थे, पहले भी खेल रहे थे लोग। अब या तो दूध पीने के घंटे भर बाद में या तो वोमिट कर देगा कुछ देर बाद में, या फिर इसको कुछ समय बाद में या कुछ घंटों बाद में इसको मरना पड़ेगा क्योंकि उसको पाचन नहीं होता है।